जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन आवर लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, हम आ चुके हैं जी एक ग्रॉसरी करके, और अब की ग्रॉसरी में आपको ये चेंजेस नज़र आ रहे होंगे ना कि हम लोग फ्रूट्स वगैरह और ये चीज़ ज़्यादा लेके आ रहे हैं, बार बार ग्रॉसरीज हो रही हैं। तो चूँकि अम्मी की वजह से मैं जाती हूँ, छोटे छोटे ट्रिप्स मेरे होते रहते हैं, तो जल्दी से आपको दिखा दूँ क्या लेके आई हूँ। मिल्क टू गो मिकाइल के पास बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने लिए हैं 12। मिल्क टू गो मैंने लिए हैं, वाटरमेलन मैंने लिया है एक, ये हमने लिए हैं जी रेसबेरीज, कैरेट्स लिए हैं, स्कूल होते हैं तो आपको पता है स्नैक्स में ज़रूर जाती हैं, ये लिया हमने। हमने लिए हैं जी लेमन, लेमन का बैग, उसके बाद हमने लिया है जनाब लहसुन गार्लिक, ये मुझे बड़ा पसंद है ये बैग। मुझे जब से मैंने ये लेना स्टार्ट किया ना, मुझे कोई और बैग अच्छा नहीं लगता। ये मैंने एक लिया है। एप्पल्स हमने लिए हैं रॉयल गाला, ये बैग भरा हुआ है। सिलेंट्रो मैं 4 बंचेस इस दफ़ा लेके आई हूँ, क्योंकि इतने ज़बरदस्त पड़े थे ना फ्रेश, तो मैंने 4 लिए। मैंने कहा भाई जितने ज़्यादा हों उतने कम हैं। एक पैक हमने लिया स्ट्रॉबेरीज का, सिर्फ जिब्राइल खाती है। 3 पैक्स हमने लिए हैं जी पॉपकॉर्नस के, ये जिब्राइल एंड बैबरस इन लोगों को शौक है। यहाँ पे हमने लिए हैं जी बारबेक्यू ओरिजिनल, ये मैं जब बनाती हूँ ना स्टेक्स वगैरह तो उसमें मैं हल्का सा ये ज़रूर डालती हूँ सॉस। साथ में हमने लिए हैं 2 पैक्स ऑफ केचप, ये है जी हमारी केचप जो हम लेके आए हैं। मिकाइल और मैं खाते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा ही खाई जा रही होती है। फिर हमने एक मिल्क का लिया है जग, यहाँ पर हमने लिए हैं जी टोमेटोस एक बैग भर के, और ये इतने गंदे बैग होते हैं ना, उठाते उठाते ये फट जाते हैं। साथ हमने लिए हैं जी बनानास और ज़्यादा सारे अनियंस, अनियंस के साथ हमने लिए हैं जी टॉयलेट पेपर्स एज वेल। तो ये क्विक सी है, और साथ वहाँ पे ना हमारे पास हमारे कोल्ड ड्रिंक्स भी पड़े हैं, वो भी मैं लेके आई हूँ। तो बस ये क्विक सी झटपट तो नहीं हुई, खैर हम लोग बाहर गए थे, मेरी एक छोटी सी मीटिंग थी, मीटिंग के बाद हम लोगों ने ग्रॉसरीज की, अभी वापस आए हैं, आके मैंने थोड़ी बहुत सफाइयाँ की हैं घर की, और अब मैं फ्री हुई हूँ। तो चलें बस अब मैं आपको लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ आज हम मज़ीद और क्या करने वाले हैं। ज़्यादा काम शाम नहीं है ऑलरेडी, क्या टाइम हो गया, 1 सेकेंड टाइम बच गया जी 4:45 का। तो टाइम तो हम लोगों ने पहले काफ़ी ज़्यादा, हम लोगों का ज़्यादा देर हो गई हमें, तो इसलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है, छोटी मोटी कोई चीज़ें होंगी वो करते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। इस दिन अब हम लोग निकले हैं मैं और दुजाना के बाबा बाहर। हम लोगों ने कुछ लेना था, क्या लेना था, हम लोगों ने कहीं किसी को विज़िट करने जाना था, शाम में एक क्विक सा विज़िट था, तो हमने कहा उनके घर में क्या लेके जाया जाए। अब हम लोग ये परेशान थे तो हमने सोचा कि चलो एक केक लेते हैं, और केक मैंने ये देखा है कि हर दफ़ा आप किसी के घर भी लेके जाएँ, कितनी वैरायटी है जो आप लेके जा सकते हैं, केक हो जाए मिठाई हो जाए, उसमें आपको वैरायटी चाहिए होती है। तो आज मेरे जब हम लोग घर से निकल रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने बोला यूँ करते हैं आज आइसक्रीम केक ले रहे थे, मैंने कहा चलें आए फिर वही ले लेते हैं। तो अभी हम आए हैं जी DQ ताकि यहाँ से हम लोग ले लें आइसक्रीम केक, और फिर केक लेके हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो मैं आपको सच बताऊं तो मैं आइसक्रीम की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूं, लेकिन मुझे अब ना स्लोली स्लोली मैंने देखा है कि मुझे ना आइसक्रीम केक अच्छे लगते हैं। लेकिन मैंने एक और चीज़ भी नोट की है इसके साथ कि आइसक्रीम केक जो फ्रेश का मज़ा आता है ना, उसके बाद अगर आप इसके बॉक्स को एयर टाइट करके भी रख देना फ्रिज में, तो भी आपको एक अजीब उसमें एक टेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो चलें हमने तो किसी को देना, हमने कौन सा खुद अपने लिए लिया है, तो बस एक ले लिया हमने केक, अब घर जा रहे हैं। अभी हमारे पास टाइम है, तो दुजाना के बाबा मुझे कह रहे थे कि मैं सोच रहा हूँ कि घर जाके ना आज जाना कि कार वॉश कर लेते हैं, तो मैंने कहा शाम होने वाली, कहते नहीं अभी धूप है थोड़ी थोड़ी तो मैं कर लेता हूँ, कि क्या है ना तो सुबह से ना क्लाउड्स थे, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है, तो कहते नहीं आगे मैं देख रहा हूँ कि वेदर थोड़ा क्लियर है, तो यूँ करते हैं कि आज ना थोड़ा इसको वॉश कर लेते हैं। तो जो सोचा वो आते ही करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हम घर पहुँचे हैं तो जाना के बाबा ने जाना को आवाज़ दी, बेटा आ जाओ गाड़ी वॉश करते हैं। तो अब आते ही कार वॉश हो रही है। चाहे जब से जाना की गाड़ी ली है, खैर से तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं, हमने अभी तक इसकी कार अंदर से क्लीन नहीं की थी। हालांकि इसकी कार बहुत ज़्यादा इसलिए यूज़ हो रही है, बाहर खड़ी होती है तो जो भी घर में जिसको कोई काम होता है वो यही गाड़ी लेके निकल जाता है, क्योंकि हमारा गैराज चूँकि डबल गैराज है, 2 गाड़ियाँ अंदर होती हैं तो जाना मिडिल में गाड़ी खड़ी करता है आउटडोर अपनी। तो अक्सर यही होता है कि जब हमें जाना होता है तो जो भी जा रहा हो, तो जाना ने कहीं जाना तो वो ये ले कर निकल जाएगा, हमने कहीं जाना है तो हम ये ले कर निकल जाएंगे, यानी कुछ भी होना तो यही चक्कर चल रहा होता है आजकल। बोला क्योंकि माशाल्लाह से खैर से ट्यूसडे से तो जाना कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी, हमारे पास ये लॉन्ग वीकेंड है, तो उन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी स्टार्ट होनी है उससे पहले मैं ना इसको अच्छे से क्लीन करके दे देता हूँ, फिर वैसे भी थोड़ा वेदर भी चेंज होना शुरू हो गया, अब सर्दी भी आने वाली है,
तो ये सारे फैक्टर्स वो कहते हैं ना कि उसके अंदर देखने के बाद आज इसके बाबा ने बोला कि इसको हम वॉश करते हैं। अच्छा, गाड़ी तो हम बाहर से वॉश ही करवाते हैं, आपको पता है कार वॉश तो हमारी तकरीबन बाई वीकली होती है हर कार, लेकिन जो ये आप अंदर से उसको डिटेलिंग उसकी करते हैं ना, वो कार को एक नया लुक दे देती है। और वो या हम समर में करते हैं, विंटर में हम बाहर से भी नहीं करवाते, क्योंकि बाहर से मैंने ये देखा है कि विंटर में आप करवाएं भी ना, अगले ही दिन गाड़ी का हाल बुरा हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने, जब एक टाइम था जब हम घर में ये सब डिटेलिंग वगैरह नहीं करते थे, तब हमारे पास एक और पुरानी हमारी कार हुआ करती थी, तो हम यहाँ पर जाते थे डिटेलिंग शॉप पर, तो वो डिटेलिंग करके देते थे, लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव पड़ती है, लाइक एक कार का आपको काफ़ी बड़ा एक अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है। फिर जब से हमने घर में करना स्टार्ट किया, हमने कहा करते भी हम उससे अच्छे हैं और आपको कॉस्ट भी नहीं पड़ती, तो चलें कोई नहीं ऐसे ही कर लेते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो काम आप घर पे करते हैं ना, ख़ुद से करते हैं, जितनी तसल्ली से आप वो काम करते हैं ना, वो मैं कहती हूँ उसका कोई और उसका अल्टरनेटिव नहीं है। जितनी तसल्ली का काम आप खुद अपने हाथ से करेंगे, अपने दिल से करेंगे ना, आप किसी को कितने भी पैसे दे लेना, वो वैसे काम नहीं होता। अच्छा, एक मुझे अक्सर लोग कहते हैं, गुल आप पे अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है, आप तो अफोर्ड करती हैं, आप कोई क्लीनिंग लेडी क्यों नहीं हायर करती? तो ट्रस्ट मी, मैंने अभी नहीं, जब मैं स्टार्ट में आई थी ना इस घर में, तो मैंने एक दो दफ़ा एक लेडी को बुलाया था। मुझे इरीटेशन ये होती थी कि मैं बैठी और वो काम कर रही है, मुझसे बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं होता था, सीरियसली मैं सच कह रही हूँ। मैंने बुलाया, उसने किया, क्लीनिंग भी उसने बहुत अच्छी की, ऐसा नहीं कि उसने क्लीनिंग अच्छी नहीं की, लेकिन मुझे वो ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। फिर मैंने कहा मैं खुद करूँगी। हाँ, कभी फ्यूचर में हो सकता है कि मैं कभी किसी को हायर करूँ और मुझे वो अच्छी लगना स्टार्ट हो जाए, तो मेरे साथ ये एक प्रॉब्लम है, ये हमारा ख़ानदानी प्रॉब्लम है, यानी हम लोग ना ये सारे को ना, हम लोगों का एक बहुत वहम सा होता है। तो मेरे जो फैमिली के लोग अगर कभी मुझे इस तरह से काम करते देखते हैं, जैसे कि अम्मी आई हैं, तो अम्मी कहती हैं मुझे पता है तुम्हें वहम है जो तुम इस तरीके में, तो बच्चों से काम नहीं करवाती, मुझे तसल्ली होती है कि जब तक मैं खुद अपने हाथ से काम ना करूँ ना, मुझे वो काम का ऐसा लगता है कि वो काम ठीक हुआ ही नहीं है। हालांकि बेचारा बेशक अगला ना पूरी हिम्मत के साथ वो काम करे ना, लेकिन ये मेरे में कमी है, करने वालों में नहीं है, लेकिन बस मेरी आदत है, तो मैं इस अपनी आदत से ना मजबूर हूँ। और जो ख़ानदानी इस तरह के आपको वहम मिलते हैं ना, तो उसमें ना आपका अपना कोई बस नहीं चलता कि आप उसको ना बेहतर बना लें। तो मेरे साथ तो थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं खुद करती हूँ। और गाड़ियों के मामले में ना मैंने देखा है, मेरे में नहीं है, मैंने आज तक कार वॉश खुद नहीं किया, मैं तो बस जाती हूँ, बस कार्ड स्वाइप किया, गाड़ी क्लीन की, अंदर से हमारी गाड़ियाँ वैसे क्लीन ही होती हैं, हम तो एक जो होता है ना कैंडी का रैपर भी हम गाड़ी में नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी वो आपके पैरों के साथ जो डस्ट जा रही है या ऑटोमेटिकली डस्टी हो जाती है गाड़ी अंदर से, तो उसको क्लीन करने के लिए जाना कि बाबा को होता है कि नहीं गाड़ी क्लीन हो जाए, उसमें से अच्छी खुशबू आए, कुछ भी हो ना। तो हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ में एक आदत बड़ी कॉमन है कि उनको भी सफाई का शदीद हद तक उनको है कि सफाई रहे, और मुझे तो है ही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों में भी मैं देखती हूँ, दजाना में मुझे थोड़ा काम लगता है, दजाना को सफाई पसंद है लेकिन अपने हाथ से करना पसंद नहीं है, और बाकी तीनों बच्चे भी हमारी तरह से हैं, यानी जो चीज़ देखते हैं फ़ौरन से उन्होंने उसको क्लीन करना। तो दजाना को ये होता है कि क्लीन कोई करे लेकिन कोई करे, मैं ना करूँ। तो ये मैंने पहले बताया कि मेरे चारों बच्चों में ना मुझे दजाना में ये आदत थोड़ी कम लगती है हाथ से काम करने वाली, लेकिन अब चूँकि जॉब शॉप करता है, यूनिवर्सिटी जाता है, तो उसमें भी मैंने चेंज देखा है कि अब वो थोड़ा करना स्टार्ट हो गया है, बाहर के काम कर लेगा, गाड़ियाँ बाबा के साथ वॉश करवानी है, कोई यार्ड का काम है, विंटर में स्नो तो करता ही दजाना साफ़ है, विंटर में हम लोग साफ़ करते ही नहीं है, सिर्फ वो ही करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन वही वाली बात है कि जब बच्चे आपको करते हुए देखते हैं ना, तो उनको ये पता होता है कि ये चीज़ें हमने करनी है, तो जब सर पे आती है ना, तो वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलें जनाब, हस्बैंड ने कर लिया गाड़ी की कंप्लीट सफाई, इतनी ज़बरदस्त, मैं जाना से कहती इतनी क्लीन तो तुम्हें जब ब्रांड न्यू मिली थी ना, तब भी उन्होंने नहीं करके दी थी क्लीनिंग, जितनी अच्छी बाबा ने गाड़ी क्लीन करके दी है। तो ये है जिसका फाइनल लुक। और देखिए, अब शाम फिर से, शाम नहीं, क्लाउड्स फिर से आना स्टार्ट हो गए हैं। चलें जनाब, अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।